क्या आपको पता है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? और क्या आपको पता है कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन टू फैक्ट एपिसोड 2। नंबर 1, चीन के शंघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है और इसका उल्लंघन करने के लिए आपको जेल की सजा भी हो सकती है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन 3,30,00,000 साल पहले वहाँ पर 2000 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ा ज्वालामुखी था, पर अभी के समय में वो ठंडा है। नंबर 3, इस तस्वीर में जो कान दिख रहा है वो कहीं जमीन पर कटा हुआ या पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये पेड़ पर लटक रहा है। असल में पेड़ों से लटकने वाले इस इंसानी कान का उपयोग 19वीं और 20वीं शताब्दी में इलाज के लिए किया जाने लगा था, लेकिन ये सिर्फ एक फंगस है जो यूरोप के पेड़ों पर उगती है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑरिक्यूलेरिया ऑरिकुला जूडे है। नंबर 4, पुराने समय में लोग बर्तन साफ करने के लिए जिस चूल्हे की राख का इस्तेमाल करते थे, वही राख अब बादाम की कीमत में ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पर डिश वॉशिंग वुड एस के नाम पर बेची जा रही है। इसकी कीमत 250 ग्राम प्रति के लिए 399 रुपए बताई गई है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसे 160 रुपए में बेचा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी गांव में रहते हैं या फिर गांव के रहने वाले हैं तो अपने गांव का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, साइकोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जिनसे अगर हम कुछ सप्ताह, महीने, यहां तक कि अगर कुछ सालों तक भी ना मिलें, तब भी हमारी दोस्ती उतनी ही मजबूत होती है जितनी की शुरुआत में हुई थी। नंबर 6, तिब्बत के कुछ हिस्सों में काले सेब की खेती होती है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। गहरे बैंगनी रंग के सेब को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। यह दुर्लभ सेब बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। तिब्बत की पहाड़ियों पर उगाए जाने वाला यह सेब इतना ज्यादा गहरा होता है कि ये देखने में काला या बैंगनी दिखाई देता है, जिसका आज के समय में रेट 500 रुपए प्रति किलो है। नंबर 7, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम लोनार झील है। इस झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल ये था कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो असल में एक उल्कापिंड के नीचे गिरने से वहाँ पर गहरा गड्ढा होने की वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ। नंबर 8, तमिलनाडु के कांचीपुरम में पवित्र सरोवर के भगवान विष्णु के अवतार अति बर्दराज की प्रतिमा हर 40 साल में एक बार 48 दिन के लिए बाहर निकाली जाती है और भाग्यशाली लोग ही 2 बार इस प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि इस प्रतिमा का निर्माण किस चीज से हुआ था। असल में इस प्रतिमा को अंजीर की लकड़ी से बनाया गया था। नंबर 9, फेंकी हुई सिगरेट और उसके बटकिन टुकड़ों से हर साल करीब 76.6 करोड़ किलोग्राम हानिकारक कचरा पैदा हो जाता है। यह तटों पर मिलने वाला सबसे आम प्लास्टिक कचरा है जिसे हर जगह देखा जा सकता है और इसके कारण होने वाला कचरा भी पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप भी सिगरेट का धूम्रपान करते हैं तो प्लीज आज ही सिगरेट छोड़ दें। नंबर 10, दोस्तों, चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भी है जो कि राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार है। यह किला 36 किलोमीटर लंबा है जिसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। अगर दोस्तों एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू एपिसोड में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।